हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज 14 अगस्त। टुडे इज माय बर्थडे। टुडे इज नॉट 14 अगस्त, टुडे इज 13 अगस्त। नाउ टाइम इज 12 o'clock एंड 14 अगस्त माय बर्थडे। सो मैं सो रही थी और मेरी बेबी और ये दोनों मिलकर मेरे लिए क्या सरप्राइज कर रहे हैं। हाँ, तो फिर ये लोग मुझे बुला रहे हैं तो देखते हैं। अभी आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, सब यही साइड दिखेंगे। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक कोई बात नहीं, बड़ा यू। हाँ, तो फिर आप सबने देख लिया, अभी मैं भी थोड़ा देख लेती हूँ कि क्या सरप्राइज है। वाओ, सी मिल रहा है। देखो लाइट है नहीं, अभी नहीं गिर सकती। देखो लाइट वो तो भूल गए। वाह। देखो So, आप सबने देख लिया मेरे हस्बैंड ने कितना अच्छे से तैयार किया है। तो फिर अभी केक कट ये करते भी हैं। अच्छा है। कैंडल तो ऑन करो। कुछ हेलो। नहीं है, सॉरी। नहीं क्या है, कंधे हमने आप। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। सुबह सुबह मतलब 9 बजे उठी हूँ। अभी बज रहा है 10 o'clock। और उठकर मैं खुद को थोड़ा पेम्पर कर रही थी। मैंने अपना फेस मास्क वगैरह लगा लिया है और फेस क्लीन। और अभी मैं बैठी हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना रहे हैं। बड़े है तो कुछ काम नहीं करना है, तो बैठना है और खुद को थोड़ा पेम्पर करना है। तो मैंने देखिए सुबह सुबह मास्क वगैरह लगा लिया है, मुंह को भी क्लीन कर लिया है और अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। और वो चाय बना रहे हैं, एक बार जला दिया है, अभी दूसरे बार फिर से बना रहे हैं चाय। तो फिर चाय पीते हैं, फिर नहाते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय, सो हियर आई एम रेडी, वेट आई शो यू माई फुल आउटफिट। सो हेयर इज माई आउटफिट, आप सबने देखा, आई होप सो देख लिया होगा। और ये पीछे देखिए, जो मेरे हस्बैंड ने कल रात को मैंने दिखाया था ना, वो सजाए थे। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ और आज मुझे किचन से छुट्टी है, क्योंकि आज पूरा खाना वही बना रहे हैं, क्योंकि अभी हम बाहर नहीं जा सकते ना। तो क्या हो गया, बर्थडे तो है ना, तो मैं खुद को थोड़ा पेम्पर तो कर सकती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ, आई होप सो आप सबको अच्छा लगेगा। और मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा था गेट रेडी विथ मी शूट करने के लिए, पर ना अभी 12 o'clock हो गया, बहुत देर हो गया है, तो मैंने शूट नहीं कर पाई ये। पर ये लुक मैं जरूर शेयर करूंगी, आई लव इट। बहुत ही न्यूट्रल है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना। ऐसे तड़कता फड़कता ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता, कभी भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ।
एक दो वीडियो जो बनाए हो ना वो तड़कता फड़कता लुक पे, बस वो एक दो वीडियो ही है। मैं खुद कभी ऐसा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही न्यूट्रल रखती हूँ। देखिए मेरा आईज बहुत न्यूट्रल है और मैंने मेकअप को बहुत ही सटल रखा है, इतना कुछ नहीं किया है। आई होप आप सबको अच्छा लगे। और बालों को ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि आज इतना मौसम ऐसा है, मैंने हेयर वॉश वगैरह नहीं किया है तो फिर मैंने कुछ हेयर स्टाइल नहीं बना पाई। ऐसे सिंपल रखा है और बहुत अच्छा है, जस्ट लव इट, बहुत अच्छा लगा है। और मेरा ड्रेस कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे हस्बैंड ने मैंने दिखाया था ना कल रात को, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मैं अनपैक कर रही थी तो आप सब ने देखा होगा आई थिंक। तो फिर आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, दिन भी बहुत अच्छा है। आवाज़ आ रहा है ना, मेरी गुड़िया का ना क्लास चल रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है। तो फिर देखिए दिन भर क्या होता है। और मेरे हस्बैंड आज मेरा फेवरेट डिश बना रहे हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उन्होंने क्या बनाया है। रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूँगी, मेरा बर्थडे ब्लॉग है, मैं रेसिपी शेयर क्यों करूँ, नहीं करूँगी मैं दिन भर क्या कर रही हूँ वो ही दिखाऊँगी। तो फिर देखते हैं भैया भाभी क्यों नहीं आए, मैं उनको एक बार कॉल कर लेती हूँ फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। एक सेकेंड, मैंने ना सोचा था इस बार मेरी बर्थडे पर ना मैं अपना हेयर को कलर करूँगी, मैं हमेशा करती हूँ। ये देखिए देख रहे हैं ना स्ट्रिप्स वगैरह, मैं स्ट्रिप्स वगैरह करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पर इस बार सोचा था ये जो नीचे का पार्ट है ना ये वाला कलर करूँगी। कोरोना की वजह से बाहर जा नहीं पाई, पार्लर वगैरह में तो बंद है, नहीं कर पाई। और घर पे मुझे नहीं करना है, मुझे बाहर ही जाकर करना है। और कल ना हम लोग गए थे तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा था कि मुझे टाटू बनाना है, तो उन्होंने कल अलाउ किया था कि टाटू बनाना है ना बनाओ। फिर मैंने सोचा बर्थडे के दिन कौन रोएगा दिन भर बैठकर, क्योंकि मुझे तो इंजेक्शन पे बहुत डर लग रहा है। वही बोल रहे थे आज तक, तुम्हें तो इंजेक्शन से डर लगता है, तुम टाटू कैसे बनाओगे। पर कल गए थे फिर मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया कि नहीं मुझे आज नहीं बनाना है, कौन रहेगा बर्थडे के दिन दिन भर बैठकर। सो ये रीज आवर बर्थडे गेस्ट, हाय बोलो, हाय बोलो, देखो हमारी क्यूटी पाई को, देखो और यहाँ पर एक और क्यूटी पाई, एक और क्यूटी पाई, मेरी दो दो क्यूटी पाई को देखो। ये देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, दोनों बहुत ही खेल रहे थे, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, दोनों चाह रहे थे मैं भी उन लोगों के साथ खेलूँ। ये देखो कितनी क्यूट से हाय बोल रही है। सॉरी मुझे इस वीडियो को म्यूट करके वॉइस ओवर पे देना पड़ा क्योंकि घर पे ना इतनी ज़ोर शोर से गाना बज रहा था, इतना आवाज़ आ रहा था, अगर मैं इसको नहीं देती तो कॉपीराइट आ जाता। और मैं अपनी भैया को दिखा रही हूँ और मैं उसे गाली कर रही हूँ क्योंकि वो शेविंग भी नहीं हो रहा है। अरे हर चीज़ पार्लर के लिए थोड़ी अभी वेट कर सकते, इस सिचुएशन तो ऐसा नहीं है कि अभी पार्लर खोलेगा या सैलून खोलेगा हम जाकर शेविंग वगैरह हो जाएंगे। उसको इससे इतना भी नहीं आता, वो खुद घर पे नहीं कर रही है इसीलिए मैं गाली कर रही हूँ। मैंने ट्रिमर उसको गिफ्ट किया था, ट्रिमर से भी क्यों नहीं कर रहा है इसीलिए गाली कर रही हूँ। और ये देखिए भाभी ने हाय किया और मैं भाभी मेरे लिए खीर बना कर लाई है क्योंकि उसको पता है मुझे खीर बहुत ही पसंद है इसीलिए। आज मेरे हस्बैंड ने क्या क्या बनाए हैं मैं दिखाती हूँ। पुलाव, पुलाव या फ्राइड राइस जो भी बोलो वो उनके हिसाब से उनको जैसा आता है। और ये रुको में भी, और ये है दाल फ्राई, और फिर एक और ये है हमारी ओडिशा का स्पेशल टमाटर और खजूर की खटा जो कि हमारे ओडिशा का स्पेशल है, हम सबको बहुत पसंद है। और रायता, और ये है मिक्स वेज करी, और अभी भाभी बना रही है फ्राई चिप्स, भाभी बना रही है, साथ में खीर है और साथ में केक है कल का। और है इस पे कुछ है क्या खाली है क्या, बस इतना ही है, शायद पापड़ करेंगे उसके बाद, इतना ही है। और अभी सब बैठे हैं, सभी बैठे हैं,
हर साल ना मेरे बर्थडे में बहुत अच्छे से मनाती थी, फ्रेंड्स को बुलाती थी, पार्टी वगैरह करती थी। इस साल कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा ही नहीं सबका हाल ऐसा ही है, मुझे पता है। इस साल सभी का बर्थडे ऐसे ही जा रहा है, इस साल कुछ नहीं हो पा रहा है। और अभी थोड़ा मस्ती करेंगे सब लोग। नहीं, लंच का टाइम हो गया, 2:20 हो गया है। जब भाभी का वो चिप्स वगैरह हो जाएगा हम लंच कर लेंगे, उसके बाद शाम को देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं। तो फिर हम लोगों का लंच तो हो गया है, और आज का लंच सच्ची में इतना यम्मी बना था। सच्ची में आज का हर एक का एक एक रेसिपी शेयर करना चाहिए था। ये राइस से लेकर सब कुछ इतना यम्मी बना था, जैसे कि लग रहा था कि हम लोग कुछ ना ओडिशा में ना, हमारे यहाँ पर कोई भी पार्टी वगैरह, मतलब किसी का फंक्शन, शादी मैरिज फंक्शन या फिर कोई भी फंक्शन होता है ना, वहाँ पर वो जो रसोई आकर जैसे कुकिंग करता ना, इतना यम्मी फ्लेवर था, इतना यम्मी था। सब लोगों ने पूरा पेट भर भर के, नाक तक भर के खाया है। और सच्ची में ऑल थैंक्स टू माई जान, मेरे जान ने सुबह से मेरे लिए बहुत मेहनत किया है, इसीलिए इतना यम्मी खाना था। सब कुछ परफेक्ट था यार, ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ यार मेरा बर्थडे है, हम लोग बाहर खाने नहीं जा पाए, घर पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। केक से लेकर डेकोरेशन से लेकर खाना तक इतना यम्मी बना था। और हम दोनों अभी जा रहे हैं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे, बर्थडे है तो दिन भर थोड़ी घर पे बैठेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी खुल तो रहा है सब कुछ, ज़्यादा कहीं मतलब बाहर नहीं जाएंगे, पर कार पे जा रहे हैं, ब्रिगेड रोड जा रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो फिर मुझे जान ने पूछा कि हम कहाँ जाएंगे, तो मैंने कहा ब्रिगेड रोड चलते हैं। तो फिर हम लोग जा रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, पहले तो घर पे हाँ करके निकल गए, अभी आकर मना कर रहे हैं नहीं नहीं जाएंगे, नहीं हम ब्रिगेड रोड ही जा रहे हैं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा ना। और हम दोनों ही जा रहे हैं, बेबी नहीं जा रही है, क्योंकि भैया भाभी घर पे हैं और गुड़िया को मन नहीं था, उसकी छोटी बहन है तो उसे खेलना था, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है। भैया का काम है, आज ऑफिस है फ्राइडे, तो फिर उसने कहा कि नहीं मेरा ऑफिस का मीटिंग है तो मैं नहीं जाऊंगी। भैया नहीं जा रही तो भाभी ने मना कर दिया, वो छोटी ना वो हाँ कर रही थी कि उसे घूमने जाना था, मैंने मना कर दिया, नहीं आएगी, 10 मिनट भी नहीं होगा रोना शुरू कर देगी मम्मा 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 करके, तो मैंने मना कर दिया, नहीं तू रहने दे। हम दोनों ही आ गए कि हम दोनों थोड़ा, भाभी ने कहा नहीं तुम दोनों ही जाओ, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा घूम लो फिर आ जाओ। फिर हम दोनों निकल गए हैं, तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, मैं आपको अपडेट करूंगी। तो तब तक के लिए यहाँ पर क्या है ना, हम लोग ऐसे ही जा रहे थे गाड़ी पे, मुझे अचानक आइसक्रीम खाने का मन हो गया, तो आगे देखिए मैं इनसे कैसी लड़ाई कर रही हूँ आइसक्रीम खिलाने के लिए, और मैं इनके साथ जिद्दी जिद करती हूँ कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। सर्दी है तो आइसक्रीम नहीं दिलाते हैं इसीलिए, पर वो बोल रहे हैं समर पे तो मैं हमेशा तेरे लिए आइसक्रीम दिलाती हूँ ना, जब तू बोलती है, अभी ऐसा क्लाइमेट ही नहीं है कि तू आइसक्रीम खा सके। तो फिर आगे देखिए मैं इनके साथ कैसे लड़ाई करती हूँ, मीठी मीठी लड़ाई, ज़ोर से नहीं। नहीं ना मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे समोसा नहीं खाना, आई डोंट लाइक समोसा, मेरे को आइसक्रीम दिलाओ। कौन होगा जो वाइफ की बर्थडे पे उसकी बात ना सुन रहा होगा। नहीं मुझे आइसक्रीम ही खाना है, मुझे और कुछ खाना ही नहीं है, पर रहने दो फिर, मुझे मेरे लिए कुछ भी मत दिलाओ, चलो घर चलते हैं। हम लोग गए थे होम टाउन, और वहां से ना मैंने 2 जग लाए, जग 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 जग, जग, जग दिख रहा है ना वो लाए, और यहाँ पर एक मैट। देखो, है? नहीं, लगा रहे थे, 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 ल
हम लोग घर आ गए हैं, बहुत पहले ही आ गए थे और मैं बहुत थक गई थी इसीलिए थोड़ा रेस्ट कर रही थी और ब्लॉग नहीं बना पाई। और अभी हम दोनों बैठकर कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और भैया भाभी चले गए हैं घर, क्योंकि भैया का काम ख़त्म हो गया, वो भी थोड़ा टायर्ड हो गया था तो फोर्स किया कि नहीं मुझे जाना है। मैंने कहा कि रुक जाओ रात को रोटी वगैरह बना लेते हैं, पर भैया ने मना कर दिया, नहीं आज जाते हैं। तो फिर करी वगैरह कुछ था तो मैंने उनको दे दिया, तो वो लोग चले गए हैं और अभी हम लोग बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं। और आज आपको पता है आज रात को क्या बनेगा, मैंने बोला हुआ था ना पास्ता या मैक्रोन कुछ बनेगा, तो रात को वही मैक्रोन वगैरह कुछ बनेगा या फिर पास्ता बनेगा। मैं सोचती हूँ मैक्रोन विथ गार्लिक ब्रेड अच्छा रहेगा, वही बना देते हैं, तो फिर देखते हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं है आज, और ज़्यादा कुछ नहीं किया सुबह से, हस्बैंड ने लंच प्रिपेयर किया, मैंने एंजॉय किया, फिर हम लोग बाहर चले गए थे। बाहर से आगे आने के बाद थोड़ी देर बैठे, आइसक्रीम लेकर आई थी, मैंने बोला था ना ये मना करते हैं पर दिला देते हैं हर चीज़, तो फिर आइसक्रीम मना हर चीज़ के लिए नहीं करते हैं, आइसक्रीम के लिए स्पेशली। अगर मैं उनको आइसक्रीम या फिर मिल्क शेक वगैरह कभी पीने के लिए बोलूँगी ना नो, पहले तो मना करेंगे फिर थोड़ी करेंगे तो कर देंगे। तो फिर आइसक्रीम दिला दे, सिर्फ मेरे को नहीं सबके लिए आइसक्रीम लिया था, भाभी के लिए, गुड्डू के लिए, सबके लिए, मेरी बेबी के लिए, सबके लिए लिया था, पर सबने खा लिया, मैंने आइसक्रीम नहीं खाया है। मेरा आइसक्रीम फ्रिज पे है क्योंकि मैं शाम को आइसक्रीम नहीं खाती हूँ 5 o'clock के बाद, इसीलिए मेरा आइसक्रीम फ्रिज में है और मैं कल सुबह खाऊंगी। सब लोगों ने खा लिया, अगर सुबह याद दिलाती ना वो ले आते मैं सुबह खा लेती, अभी तो नहीं खा सकती, शाम हो गया ना सुबह खाऊंगी। और सब लोग खा लिए, सब लोग चले गए हैं, तो फिर अभी रात को और ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने को, बस मैक्रोन वगैरह मुझे बनाना है, मुझे नहीं वही बनाएंगे बोल रहे हैं, पर मैं बोल रहा हूँ मैं बनाऊँगी क्योंकि मुझे अपने हाथ का मैक्रोन खाना में बहुत मज़ा आता है। तो फिर देखते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप सो मेरा ये बर्थडे वाला जो छोटा सा ब्लॉग है तो फिर आप सबको अच्छा लगेगा, मैं आई होप सो आप सबको अच्छा लगेगा, तो आप सब देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो पता है ना आपको क्या करना है, नहीं पता ओके एक मिनट अभी पता चल जाएगा, पता नहीं क्या करना है तो फिर सुनिए क्या करना है, क्या करना है बेबी बताओ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए नहीं ओके। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है जी भर के कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर करने की भी कोशिश कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, फोर्सफुल नहीं है, अगर अच्छा लगे तो इतना सब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।